हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है और मॉर्निंग में मैं दे रही हूँ मोनिश्का को आलू के परांठे विथ बटर। सो रेसिपी एकदम सिंपल है, आलू के परांठे सभी को आते हैं इसलिए मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की और मॉर्निंग में मैं इतना टाइम भी नहीं होता है कि रेसिपी वगैरह शेयर की जा सके। सो बस उसके बाद मैं पी रही हूँ मिल्क, मोनिश्का को छोड़ के आ गई हूँ, ठंडा ठंडा मिल्क पी रही हूँ जो कि मेरा डेली रूटीन में है। और बहुत दिनों से मैं अपना ब्लॉग डेली नहीं शूट कर पा रही हूँ, डेली नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है इस वजह से। और ये देखिए जोरों की बारिश शुरू हो गई है और ये दोपहर का टाइम है। आज मैं बना रही हूँ दाल और राइस वाली खिचड़ी। यस, कैसे बनती है? बहुत सिंपल है। दाल को पहले हम जैसे नॉर्मली पकाते हैं ना वैसे पका लीजिए। तो मैंने दाल को पका लिया है, उसके बाद भिगे हुए राइस, थोड़े से मैंने राइस भी, और जितनी दाल उतने ही राइस मैंने लिए हैं। सही क्वान्टिटी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। सो बस जितनी दाल ली थी उतने ही लगभग राइस ले लिया है। और बस दाल जब पक गई थी, दाल में सिर्फ हल्दी नमक और हींग डालकर दाल को बॉयल करके जब दाल हो गई तो फिर उसमें मैंने राइस डाल दिया, भिगे हुए राइस डाल दिए, दैट्स इट। और अब इसको हम पका रहे हैं बहुत अच्छे से। जब पूरी हमारी खिचड़ी पक जाएगी, राइस बहुत अच्छे से पक जाएगा, और पानी बीच में चेक करते रहेंगे, अगर लगने लगे तो फिर आप पानी और डाल सकते हैं, गर्म पानी, नॉर्मल पानी, कैसा भी पानी। वैसे मैं गर्म यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और एक साइड में मैं कर रही हूँ टोमेटो को सेक रही हूँ, टोमेटो को सेक रही हूँ, तो टोमेटो को भून रही हूँ, सॉरी सेक नहीं रही, भून रही हूँ। सो टोमेटो को भून रही हूँ, इसका बनाएंगे चोखा। यस, तो ये भून जाएंगे तो फिर मैं चोखा बनाऊंगी। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि लगे ना और अच्छे से ये पक जाए। बस देखिए अच्छा खासा मैंने पानी ऐड कर दिया है, ये अच्छे से पकेगी। ठीक है, इसको पकने देते हैं, जब पक जाएगी तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ठीक है, तो जब हम पक जाएगी तब हम मिलेंगे, तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो गाइस, मैंने थोड़े से कुरकुरे खा लिए थे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ एंड बस। और ये मेरा लास्ट सैटरडे का ब्लॉग है, लास्ट सैटरडे मैंने शूट किया था बस, बट इस हफ्ते मैंने बिल्कुल भी नहीं अपडेट किया, नहीं डाल पाई मैं। सो बस, और ये मैं बना रही हूँ लहसुन को भून रही हूँ, टमाटर को भून लिया है, ये टमाटर को मैश कर लिया भूनने के बाद, और लहसुन को भी छील लूँगी, बहुत ईजिली निकल जाते हैं इसके छिलके अगर इसको भून लिया जाए। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से भूना था, सिंगल सिंगल तो भूना था, मतलब पूरा लहसुन मैंने पहली बार भूना था। और बस अब मैं ये वैसे ही पिक ले रही थी इसलिए इस तरह से रख दिया था, और बस इसको कांटे से फोक की हेल्प से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये मैं चोखा बना रही थी विथ खिचड़ी, खिचड़ी के साथ खाने के लिए, दाल और चावल वाली खिचड़ी। अब इसमें तड़का लगाने जा रही हूँ, तो वैसे मैं तड़का नहीं लगाती तो ज़्यादा अच्छा लगता, टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब मेरे हस्बैंड को तो नहीं अच्छा लगा इतना ज़्यादा, उन्होंने उतना अच्छे से इसको खाया भी नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाई, बट मुझे तो ठीक ही लगा। थोड़ा सा न्यू रेसिपी थी, मैंने सोचा चलो कुछ न्यू ट्राई करते हैं, बट जो रेसिपी थी वो फ्लॉप हो गई। सो जब पसंद ही नहीं आया तो क्या। अब उसके बाद मैं खाने जा रही हूँ अपने खिचड़ी, इनको दे दिया था, साथ में मैंने ग्रीन चटनी ली है और थोड़ा सा घी ऐड किया है, घर का घी है, घी ऐड किया है बस। और खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे आज खिचड़ी खाने का बहुत मन था मेरा, तो इस वजह से मैंने खिचड़ी बनाई। सो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पेड़ा खाया, बहुत टेस्टी पेड़ा था, मतलब ये दिखा रही हूँ पूरा, पर मैंने पूरा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया था। सो डोंट वरी, नहीं यही था, नाना से बोलेंगे नाना ले आएंगे, नाना बोल देंगे नाना और ले आओ ना, चाहिए डब्बे में, हाँ डब्बे में बोलेंगे, डब्बा दे दो लाके ना, बड़ा सा डब्बा दे दो लाके, डब्बा नहीं बहुत है मिठाई। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स, अमेज़ॉन का एक पार्सल आया, उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मैंने ये एक हफ्ते हो गए लगभग आए हुए, मैंने इसको ओपन नहीं किया, अगर ओपन किया होता ना तो ये इसकी रियलिटी पता चल जाती, मैं ये बोल रही थी, बट साउंड थोड़ा स्लो था इस वजह से मैंने इसको वॉइस ओवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक ऑयल का कंटेनर है जो कि मुझे बहुत दिन से रिक्वायरमेंट थी इसकी, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मंगवाने के लिए बट मैं नहीं मंगवा रही थी, बट इस बार फाइनली मैंने मंगवा लिया है और ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इससे ईज़िली आप इससे, मतलब बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आप इसमें सर्व करना, मतलब आपको अगर ऑयल डालना है तो बहुत ईज़िली थोड़ा सा ही ऑयल गिरता है, इसका नोज़ल जो है बहुत ही पतला सा है तो अच्छा है एंड बहुत अच्छे से ओपन हो जाता है, आप इसको कभी भी वॉश कर सकते हो। ये देखिए अंदर
तो अच्छा सा अच्छा खासा आपका हाथ भी पूरा चला जाएगा, इतना अच्छा स्पेस है इसमें, तो बहुत इजली है, बहुत इजी है इसको यूज़ करना और काफ़ी खूबसूरत है। इसकी कॉस्ट मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे मैं सबसे बात कर रही थी इनसे और बाबू से, तो इस वजह से मैं आपसे नहीं बात कर पा रही थी डायरेक्टली, बट और दो बॉटल मंगवाई है आई थिंक 500 में, मैं जो भी इसकी रियल जो कॉस्ट होगी मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी साइड में कहीं भी, तो आप देख लीजिएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो बस इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, तो बस हम इसको रखते हैं। इसकी चूड़ी मुझे लग रहा था थोड़ी गड़बड़ है, बट नहीं गड़बड़ नहीं, मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ तो, और इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ से जो ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, यहाँ से इजी हो जाता है आपको देखना कि कौन सा ऑयल आपने रखा है। जैसे एक में मैं रिफाइंड रखूँगी और एक में मैं मस्टर्ड ऑयल रखूँगी, तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। सो उसके बाद हम लोग गए छत पर, तो मोनिश्का ने छत पे थोड़ी मस्ती की, ये देखिए छप छप छप, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जो कि मोनिश्का के चैनल पे डाल दिया है। सो बस उसके बाद आने के बाद मैं बना रही हूँ मोनिश्का के लिए परांठा, चाय, और अपने लिए बनाऊंगी पनीर, सत्य करूँगी ये देखिए, एंड दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और पनीर मेरा फेवरेट है, मैं आपको बता दूँ कि पनीर मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो इस वजह से मैं पनीर थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ अपनी डाइट में, एंड दूध, और मुझे दूध की जितनी ज़्यादा आदत जब लग जाती है ना, तो फिर दूध के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो बस अब मोनिश्का खा रही है पराठा और चाय, और आज खुद से खा रही है मैडम, देखिए। तो बहुत अच्छा हो जाता है अगर बच्चे खुद से खाते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है, तो बस बना कर दे दो और बच्चे खा लें। तो बस अब मैं ये खाने जा रही हूँ अपना पनीर और मिल्क, आज रात में मैं थोड़ा शाम को ले रही हूँ ये, लगभग 8:30-9 बजे के करीब मैं पी रही हूँ दूध और पनीर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल मेरी डाइट मॉर्निंग एंड मतलब लंच ब्रेकफास्ट और डिनर में मेरा यही चल रहा है, मिल्क खजूर एंड नाइट में मिल्क एंड पनीर कभी कभी। फ्रेंड्स से रात में मैं नहा ली हूँ और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मनीष को कब से कह रही हूँ सोने के लिए, देखिए कैसे लेटी हुई है, इनको कब से बोल रही हूँ कि सीधे लेट जाओ अपनी जगह पर, नहीं ऐसे ऐसे लेटी है। ये मेरा तकिया यहाँ पे रहता है, मतलब तकिया तो मैं लगाती हूँ, तो मेरा सिर यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे पैर करके लेटी हुई और अपने तकिए से ऐसे। चलो ठीक से लेट जाओ अच्छे से, अरे वाह आप तो गुड गर्ल हुई, चलो अच्छे से लेट जाओ जल्दी से, अरे अच्छा अच्छा मेरी गुड गर्ल है ना बेबी, ऐसे लेट बहुत नींद आ रही है। चलिए ओके गाइस, सो आज का दिन हो गया ख़त्म। तो गाइस दूसरे दिन की शुरुआत भी करती हूँ इसी ब्लॉग में। सो नेक्स्ट डे हो गया है और मैं पीने जा रही हूँ सोट का पानी। यस आजकल मैं यही ले रही हूँ, इससे स्टमक का जो बेली फैट होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से रिड्यूस होता है मेरा, जो कि हो रहा है। अगर आप भी चाहो तो आप इसको ले सकते हो, बहुत इजी है इसको बनाना, गर्म पानी करिए उसमें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो गई है और ये है मेरी मॉर्निंग टी जो मैंने अभी अभी आपके साथ बनाई है, सोंठ का पाउडर एंड हाफ लेमन। सो मैं इसको सिप सिप करके पीऊंगी, अब मैं जा रही हूँ मनीष को उठाने के लिए, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। ओके टेस्ट इज वेरी गुड, नॉट बैड, पी सकते हैं आराम से। ओके मिलते हैं। बेबी गुड मॉर्निंग मोनिश्का, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो बाबू 7:00 हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग हो गई है, मनीष का स्कूल चली गई है और मैं पीने जा रही हूँ, आ गई हूँ मैं, मतलब पीने जाने से पहले मैंने वो सोंठ पाउडर का पानी पिया था, आपको दिखाया था, एंड आने के बाद मैंने एक डेट्स खाया, 4 आलमंड्स खाए, और क्या खाया, और हाँ झूठ नहीं बोलूंगी, 1 क्यूब डार्क चॉकलेट भी खा ली। सो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट ठीक है यार, मन कर रहा था पहले मेरा चॉकलेट खाने का, तो मैंने चॉकलेट भी खा ली, बट एनीवे, और ये मैं पीने जा रही हूँ मिल्क, ठंडा ठंडा मिल्क। सिटी की आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही नहीं पता, बट सिटी बज रही है, और मैं चढ़ा दिया मैंने चना, सैटरडे है तो दोपहर में बनाऊंगी चने की सब्जी। तो बस चने की सब्जी कौन सी रेसिपी की बनाऊंगी, अगर कुछ अलग बनाऊंगी तो शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं। चना चढ़ा दिया है, मशीन लगी हुई है, मशीन की भी आवाज़ आ रही होगी, कपड़े वॉश हो रहे हैं। आप बताइए आप लोग कैसे, आप लोग की डाइट अगर चल रही है तो कैसे चल रही है। सो मैं तो डाइट भी कर रही हूँ, चिल भी मार रही हूँ, मतलब ठीक है यार डाइट, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली नहीं कर रही हूँ बट कर रही हूँ, नॉट बैड। मैं दोपहर में फुल डाइट लेती हूँ, रात में मिल्क और मॉर्निंग में मिल्क। सो अभी मेरा ऐसे ही चल रहा है, जब तक ऐसा चलेगा चलेगा, अदरवाइज मैं फिर चिल्ला इंक्लूड कर दूंगी नाइट में एंड मॉर्निंग में। सो ये मेरी फुल डाइट हो जाएगी, और अगर मैं चिल्ला ऐड भी करूंगी ना तो मिल्क नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मेरी जो पहले डाइट थी उसमें मिल्क दोनों टाइम था, और मॉर्निंग और नाइट में चिल्ला उपमा पोहा इस टाइप का था। सो दैट्स इट, हम फटाफट से काम करना है, बिस्तर सही करना है, देखिए सब फैला हुआ है, चादर वादर समेट के रखना है, कपड़े वॉश करने हैं, चना चढ़ा रखा है उसको निकाल कर कुकर खाली करके रखना है, एंड उधर हॉल में सारी चीज़ें सही करनी है। तो बस ये सारे काम हैं, फटाफट से करूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। सो दैट्स इट, दैट इज़ अपडेट।
और पिछले हफ्ते मेरे जो ब्लॉग मतलब इस हफ्ते जो मेरे ब्लॉग थे ना मंडे से लेकर फ्राइडे तक के, वो बहुत डिले हो गए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट नेक्स्ट वीक से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करूंगी कि डेली 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 अपने जैसे ब्लॉग डालती थी वैसे अपडेट करती रहूँ, जैसे ब्लॉग डालती थी वैसे डालती रहूँ, ओके। बिकॉज कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं पूरे दिल से, सो उनके लिए थैंक यू सो मच जो मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनके लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी फैमिली मतलब मेरा यूट्यूब जर्नी मेरे यूट्यूब फैमिली में ज्वाइन किया, मेरे यूट्यूब फैमिली में इंक्लूड हुए वो, थैंक यू सो मच। सो चलिए चलते फटाफट से काम फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ओके। मनुष्को को लेके आ गई हूँ और अब मैं दोपहर में आफ्टरनून मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ले रही हूँ। 12:30 के करीब हो गए हैं, ये देखिए 12:30 हो गए हैं, सी। तो मैं ले रही हूँ एक स्मॉल साइज का एप्पल, मीडियम तो नहीं कहेंगे, ये स्मॉल साइज का एप्पल है, ये देखिए एकदम छोटू सा है, तो बस स्मॉल साइज का एप्पल ले रही हूँ। और फिर मैं बनाने जा रही हूँ चने की सब्जी, एंड बस उसके बाद दोपहर में लंच करेंगे, ठीक है। तो मैं खा लेती हूँ, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की सब्जी, सिंपल है आपको पता है, इस वजह से रेसिपी नहीं शेयर की। तो मसाला मैं भून रही हूँ जैसे कि नॉर्मली मसाला भूनते हैं तड़का लगाने के बाद, वैसे ही प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट एंड देन कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो, मैं तो मीट मसाला डाली थी मैंने डाला था मैंने, और चना बन रहा है, बन ही गया लगभग। और साइड में बना रही हूँ हलवा, क्योंकि सैटरडे को हमेशा हम लोग हलवा बनाते हैं चने के साथ, चना और हलवा, वैसे मॉर्निंग से बनता है। सो मेरी ये जो चने की सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है, बस इसमें बचा है कोरिएंडर लीव्स डालना, धनिया, सो बस अब वो मैं डाल दूंगी, हमारी सब्जी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दैट्स इट, सब्जी जो है बिल्कुल रेडी है, हम इसको ढक देंगे। और एक साइड में देखिए मेरा हलवा भी बिल्कुल रेडी है, सो एकदम मैंने अच्छे से उसको आज परफेक्टली बन गया है। मोनिश का मांग रही थी, चलिए उसको दे देते हैं। सो बस मोनिशका को मैं देने जा रही हूँ, मोनिशका खा लें, उनका भी ये फेवरेट हलवा है, देखती हूँ ये खाती हैं या नहीं, अभी इनके पापा नहीं आए हैं, तब तक दे देती हूँ मनिशका को। बाबू लो, गरम है बेटा, हाँ अभी ठंडा हो जाएगा तब खाना, अच्छा बाबू अभी गरम है। तो गाइस ये है मेरा खाना, वन कटोरी मैंने सब्जी ली, वन कटोरी क्या 75% मैंने चने की सब्जी ली है, वन कटोरी मैंने कर्ड लिया है विथ जैगरी पाउडर, थोड़ी सी अनियन ली है, वन चपाती और थोड़ा सा राइस लिया है। सो ये मेरा लंच है, फ्रेंड्स। इवनिंग में पी मैंने ब्लैक टी विथ सम बिस्किट्स एंड ये देखिए, उसके बाद हम लोग आ गए छत पे, और छत का जो व्यूज़ था ना बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मुझसे रहा नहीं गया था, मैंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे सूरज ढलते हुए दिख रहा था, सनसेट होते हुए, मतलब सनसेट यहाँ तो नहीं होता है बट हमें दिखता है ऐसे ही है, सो बस वो बहुत सुंदर लग रहा था, सूरज जब छिप रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो वही मैंने कैप्चर कर लिया। और मनिष्का टहल रही हैं छत पर, और ये देखिए नज़ारा कितना अच्छा, मतलब मौसम इस समय बहुत अच्छा हो रखा है, इस वजह से बहुत अच्छा व्यूज़ था, सो इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। सो फ्रेंड्स बस, और ये हम लोग छत पे गए, उसके बाद मैं नीचे गई, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइज, बिल्कुल भी शूट करना मैं भूल गई थी। सो बस दैट इज़ माय ब्लॉग आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके। और यहाँ पे मोनिशका साइकिलिंग कर रही है, क्योंकि मैं साइकिल मंगवा लिया था इनके पापा से, तो बस साइकिलिंग कर रही है, देखिए पापा भी बैठे हैं सीढ़ी पर, तो बस अब हम लोग साइकिल चला के नीचे चले जाएंगे, और बस अब आपसे मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय, थैंक यू।